आज एक नया फॉर्मूला सवेरे सवेरे देश के सामने दिखाई दिया है, जहां पे देश में मचाओ लूट प्रधानमंत्री देंगे खुली छूट की एक नई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, जो खुद अपने आप को चौकीदार बताकर कहते हैं कि रातों में सोते नहीं हैं, देश के बैंक लुटेरों को भगवाकर चौकीदारी करने का झूठा रोना होते हैं, और ये आज बहुत स्पष्ट हो गया है और दिखाई दे रहा है किस तरीके से नरेंद्र मोदी फ्रॉडस्टर बचाओ योजना के अंतर्गत आज छोटा मोदी यानी कि नीरव मोदी बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी गिले शिकवे के एक देश का भागा हुआ भगोड़ा, देश के पैसे लूटकर भागा हुआ भगोड़ा, 10,000 पाउंड का जैकेट पहनकर 73 करोड़ के लंदन के पॉश इलाके में रहकर रंगरलियां मना रहा है और चौकीदार सो रहा है। और शायद आपने कितनों ने ये वीडियो देखा है या ना देखा है, पर जरा देखें, एक तरफ अगर हम वो वीडियो चालू करेंगे तो दिखाई दे रहा है उनका 10,000 पाउंड का विदेशी जैकेट और विदेशी धरती पर मना रहे रंगरलिया हमारे छोटे मोदी यानी कि नीरव मोदी। वो वीडियो आप प्ले करेंगे वो जो आज देश के सामने आया है। Can you please just confirm whether you've applied for political asylum? That's all I want to know. A lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. No comment. We would very much like to know where you are. Sorry, no comment. How long do you intend to stay in England for? Government officials have told us that you've applied for political asylum, and government officials have also told us that you're the subject of an extradition treaty, extradition application. Could you just nod if you believe that to be the case? Sorry, no comment. You can't comment at all about anything. How long do you intend to stay in? Can't tell me how long you intend to stay in England. Jacket to dekhe. £10,000. Tell me about. Is he a friend of yours? Is he an associate of yours? Can't comment. Are you still trading in diamonds, Mr. Modi? We believe you're still trading in diamonds under the name of is that right? No comment. Can't comment. Okay. Now, Narendra Modi देश को जानना जरूरी है कि लंदन में वो बकायदा 17,000 महीने पाउंड के घर पे रेंट पे रुके हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक नया बिजनेस भी शुरू कर दिया है, जहां पे वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जो टेलीग्राफ के जर्नलिस्ट से सवाल पूछ रहे हैं, और उसका जो ऑफिस है वो भी सोहो कर जो लंदन के जानकार होंगे वो जानते होंगे, सोहो एक एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव इलाका है बिजनेस चलाने का, जहां का रेंट भी कुछ 17,000-20,000 पाउंड महीने से कम नहीं होगा। इस तरीके के ऐश लूट रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहती हूं कि देश आपकी ये जो कारनामे हैं कतई नहीं भूलेगा। देश नहीं भूलेगा किस तरीके से आपने 2014 में देश की जनता से 80 लाख करोड़ काला धन राशि वापस लाने की बात कही थी। आपने 2014 में यह वादा किया था कि किस तरीके से 15 लाख रुपए आप हर देशवासी के खातों में डालेंगे, और आज आलम तो ये है कि
कि जो 1,00,000 करोड़ देशवासियों का पैसा कमाई किया हुआ पैसा बैंकों के खातों में है, वो भी आपने नरेंद्र मोदी ने अपने इन सूरपूर वाले दोस्तों के हाथों में छोड़ दिया है और वो विदेशी धरती में मौजा ही मौजा कर रहे हैं। देश ये भी नहीं भूलेगा नरेंद्र मोदी जी, किस तरीके से आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने प्रिफर्ड बिजनेस पार्टनर छोटा मोदी को लेकर जाते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, फिर उनको खुली छूट दे देते हैं कि जाओ, लाल कालीन बिछा देते हैं कि जाओ विदेशी धरती पे मौज की जिंदगी बनाओ। तो क्या हुआ अगर आपने 24,000 करोड़ देश का लूट लिया हो? उसमें क्या बात हो गई कि हमारे पास 8 महीने से ये खबर हो पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की हो? क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिर्फ नीरव मोदी यानी छोटा मोदी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटा भाई मेहुल भाई भी देश से फरार हो जाए। देशवासियों में अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की ये भूल भी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से उन्हीं के वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी और उनके जमाई बकायदा मेहुल भाई की कंपनी गीतांजलि से पैसा लेते हैं, उनकी पैरवी करने को कोर्ट में, उनके फ्रॉड को बचाने को, उनको क्लीन चिट देने को, इन क्लीन चीटर्स को क्लीन चिट दिलाने को। और जब मामला सबके सामने आता है फरवरी में, तो चुपके चुपके से वो बकायदा उनके बैंक खाते में उस पैसे को वापस कर देते हैं। और ये तथ्य हमारे सामने है, ये बकायदा वो बैंक रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट, जहां पे गीतांजलि को ये वापस वो पैसा डाल देते हैं क्योंकि उन पे ये गाज गिरी है। तो देश ये कतई प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं भूलेगा किस तरीके से आपने संरक्षण ही नहीं, उनको खुली छूट देकर विदेशी धरती पे ऐशो आराम की जिंदगी जीने का मौका दिया है। इंडिया कैसे भूल सकता है और देशवासी कैसे भूल सकते हैं कि 10,000 पेज का पूरा पूरा फ्रॉड की जानकारी इनकम टैक्स की रिपोर्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री के ऑफिस में दी गई थी, सबमिट की गई थी, जहां पे मेहुल भाई और छोटा मोदी के पूरे जो तथ्य थे, फ्रॉड था, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग थी, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई, जो प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ना SFI को दी, ना CBI को दी, ना ED को दी, ना डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को दी, DRI को अपने पास रखकर रखी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इनके छोटे भाई और छोटा मोदी देश से फरार हो जाए और सिर्फ वही नहीं उनका पूरा परिवार चला जाए। देश आज चौकीदार से सवाल पूछ रहा है और सवाल बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब बकायदा जानते थे कि नीरव मोदी की फायर स्टार इंटरनेशनल ने 2 कंपनी से पैसे लिए थे। एक कंपनी तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो नीरव मोदी की बहन की ही कंपनी थी और उसके दस्तावेज भी, सारे के सारे दस्तावेज भी नीरव मोदी के कार्यालय से बनकर गए थे। और पूरा जिस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ था वो बकायदा सस्पिशियस श्रेणी में आता है, वो इनकम टैक्स की रिपोर्ट बताती है। ये कांग्रेस का मुख्यालय से नहीं बोल रही हूँ, ये इनकम टैक्स की रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में है वो बकायदा स्पष्ट करती है। पर बात यही खत्म नहीं होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी जानते थे कि जो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी है, वो गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेलरी के जो 2 पार्टनर्स थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, वो सबसे बड़े क्रेडिटर्स भी थे, लोन भी दे रहे थे। और ये 2014-15 में है और जब ये तथ्य सामने आने लगे उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में फेरबदल की और जो नए लोगों को लाए उनके एड्रेसेस और उनके ठिकाने भी देश के पास नहीं थे और ना इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास थे। प्रधानमंत्री ये भी जानते हैं कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे थे नीरव मोदी उसमें किसी तरीके की स्पष्टता नहीं थी और किसी तरीके का उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी जानते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार में ही जो नीरव मोदी और मेहुल भाई
कि परिवार में ही आपस में ही पैसे का लेन देन हो रहा था, लोन आप बड़े बड़े पंजाब नेशनल बैंक और बाकी सारे बैंकों से ले रहे थे, और उसी को आप अपने परिवार में फ्रॉडुलेंटली बांट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, ये सब हमारे मुख्यालय से नहीं, इनकम टैक्स की जो रिपोर्ट है बकायदा जो पीएमओ में पड़ी हुई है, जिसको आपने छुपा कर रखी, वो दिखाते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि मोदी जी ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और मोदी जी ने चोरों और घोटालों को, नामुमकिन को मुमकिन करने की पूरी कोशिश ही नहीं, पूरा समर्थन दिया है। और जाते जाते बस मैं चार चीज लाइन कहूंगी, और अगर आपके कुछ सवाल हो मैं उसको जरूर लूंगी। इन सवालों का कुछ जवाब है साहेब? छोटे मोदी का कुछ हिसाब है साहेब? ठेंगा दिखाकर लंदन में ऐश कर रहा है भगोड़ा, देश को लुटवाकर आप नौजवानों को दे रहे सलाह, बेचने को पकोड़ा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे देश सवाल पूछ रहा है। चौकीदार होने के नाते आपको जवाब देना जरूरी है कि नीरव मोदी किसके संरक्षण में ये ऐशो आराम की जिंदगी लंदन में लूट रहा है। धन्यवाद।